हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। कई सौ सालों में ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का फैक्ट बदलता है, बिकॉज बहुत लंबी स्टडी के बाद कोई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट उन फैक्ट्स को बताता है जिनको मैं और आप किताबों में पढ़ रहे होते हैं, एनसीईआरटीज में पढ़ रहे होते हैं। अभी अभी एक नया फैक्ट चेंज हुआ है कि अब एज पर नेशनल ज्योग्राफी देयर वुड बी 5 ओशियंस। ओशियंस, पहली बात तो डिफरेंस समझो ओशियंस में एंड सी में। ओशियन एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है सी के कंपैरिजन में। जनरली ओशियन और लैंड जहाँ के बीच का, मतलब जहाँ पे ओशियन लैंड से मिल रहे होते हैं उसके आसपास वाले एरिया को हम सी बोल देते हैं। तो ओशियन बहुत बड़े होते हैं, सी बहुत छोटे होते हैं। कन्वेंशनली हम चार ओशियंस पढ़ते आए थे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन इज पैसिफिक ओशियन भाई साहब। उसके अलावा तीन ओशन कौन से बच गए? अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन। अभी एक पांचवा ओशन नेशनल ज्योग्राफी एज पर नेशनल ज्योग्राफी ऐड कर रहे हैं। ये इन्होंने 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर डिक्लेयर करा है। अगर आप देखो अर्थ का मैप है, ये देखो ऊपर से, ये ऊपर से मान लो ली गई फोटो है, तो साउथ पोल होता है बच्चे, साउथ पोल पे वहां पर अंटार्कटिका है, ठीक है। तो अंटार्कटिका के ही इर्द गिर्द दिस वुड बी नोन एज साउदर्न ओशन। अब कैसे, जब भी ऐसे कोई न्यूज आए ना, देखो ये तो हर कोई बता देगा कि भाई साहब ठीक है पांचवा ओशन कौन सा है, ऐड हुआ तो साउदर्न ओशन ऐड हुआ। इसके अलावा और सारे फैक्ट्स भी आप देखो भाई, टोटल कितने ओशियन थे, अच्छा जी सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, इस टाइप वाले फैक्ट भी आपको साथ साथ याद करने चाहिए। बहुत ही जल्दी नए मैप्स आएंगे जिन मैप्स में इस बात को प्रॉपर तरीके से दर्शाया जाएगा। आपको क्या करना है, मेरी तरफ से होमवर्क क्या है, सारे के एक वो लेना है आपको, वर्ल्ड का मैप लेना है, जितने भी फेमस ओशियंस और सीज हैं वर्ल्ड के उनको लोकेट करना है, और डीपेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट ओशन, ये सब आपको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना, बिकॉज ऐसे ही एक स्टैटिक पोर्शन के इर्द गिर्द घूम के ही करंट अफेयर बनता है, ठीक है जी, या उल्टा कह लो, जो भी। तो पॉइंट जो मैंने होमवर्क दिया आपको, होमवर्क करना है, और ये करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया है एज पर नेशनल ज्योग्राफी। ये एक नया फैक्ट चेंज हुआ है, कई सौ सालों में कभी ऐसा होता है, तो यू आर पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं करा हो तो। जय हिंद, जय भारत।